अरे योगी जी, एबीसीडी याद हुई? एबीसीडी सुनाओ। दो घंटे से एबीसीडी पे अटके हुए हूँ, सुनाओ। मोदी सर जी सुनाता हूँ, एबीसीडी। अरे एबीसीडी तो मैंने खुद बोला है, इसके आगे तो सुनाओ, एबीसीडी पूरी सुनाओ। अरे मोदी सर जी, मुझे तो इतनी ही याद है, आगे मुझे याद ही नहीं हो रही है। अरे तुम्हें 5 साल हो गए एबीसीडी, डी से आगे ही नहीं पढ़ पा रहे हो तुम। अरे तुम्हारे पापा को बुलाना पड़ेगा। राहुल, तुम्हें हिस्ट्री याद करने को दी थी, तुम्हें याद हो गई हिस्ट्री? सुनाओ हिस्ट्री के वो वाक्य। हाँ मोदी जी, मुझे हिस्ट्री याद हो गई। मेरे दादाजी की मृत्यु 1985 में हुई थी और बहुत घने बादल थे, बहुत बारिश हो रही थी। अरे राहुल, ये क्या सुना रहा है? मैंने क्या याद करने को दिया था और क्या सुना रहा है? अरे मोदी सर जी, हिस्ट्री सुनाओ। आपने हिस्ट्री सुनाने को बोला तो मैं हिस्ट्री सुनाने लगा। अब मैं हिस्ट्री कोई सी भी सुनाऊं, चाहे अपने घर की सुनाऊं या और कोई सी सुनाऊं, बात एक ही है, हिस्ट्री हिस्ट्री होती है। अरे तुम नहीं सुधरने वाले हो, तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगे, तुम उल्टा मुझे पढ़ा दोगे। अरे अगर हिस्ट्री में ये लिख दोगे पेपर में तो 100 में से -0 मिलेगा तुम्हें, -0। अखिलेश तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मैंने जो गणित का सवाल दिया था वो गणित का सवाल कर लिया तुमने? नहीं मोदी सर जी, मैं आपका सवाल नहीं कर पाया। आपने सवाल ही ऐसे पूछा, आपने बोला कि अगर तेरे पास 10 लड्डू हैं और 5 जगह बांटा जाए तो कितने कितने लड्डू आएंगे एक एक जने पर। अरे मोदी जी, जब मुझ पे 10 लड्डू होंगे तो मैं 10 लड्डू क्यों बांटूंगा? अरे लड्डू का मैं बहुत शौकीन हूँ, मैं लड्डू किसी को भी नहीं दूंगा एक भी। अरे अखिलेश, मैंने कहा था मान लो अगर तुम्हारे पास 10 लड्डू है, मान लो, ये थोड़ी कहा था कि तुम्हारे पास है। अरे मोदी सर जी, मैंने मान लिया मेरे पास 10 लड्डू है तो मैं फिर भी नहीं दूंगा किसी को एक भी लड्डू। अरे मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, आज से मैं उल्टा तुमसे पढ़ने आऊंगा, समझे? रोज तुम मुझे पढ़ाना, तुमसे तो मैं भर पाया, तुम तीनों से भर पाया मैं। अरे मोदी जी, तुम हर काम में सबसे आगे रहते हो, ईंट बनाने में भी तुम हमसे आगे हो। अरे मैं इतनी ईंटें नहीं बना पा रहा हूँ जितनी ईंटें तुमने बना दी, और अखिलेश भी पीछे चल रहा है, मैं भी पीछे चल रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी तेज ईंटें कैसे बना लेते हो? अरे योगी जी, मैं हर काम में माहिर हूँ, हर काम में माहिर हूँ, मैं ऑलराउंडर आदमी हूँ, हर काम बढ़िया तरीके से करता हूँ। मेरा हाथ ईंट बनाने में ऐसे चलता है जैसे छुरी मक्खन के अंदर चलती है, ऐसी चलता है मेरा हाथ। तुम सब लोग मेरा पीछा नहीं कर पाओगे। अरे ये बताओ, ये राहुल लोटा लेकर कहाँ गया था? जो पीछे खड़ा है लोटा लेकर आ रहा है। अरे मोदी जी, ये कहीं नहीं गया था, ये 2 नंबर करने गया था। अभी मेरे बराबर में बैठा था तो बहुत बुरी बुरी गैस निकाल रहा था, उसी टाइम मैं समझ गया था ये 2 नंबर करने जाने वाला है, समझे? ये 2 नंबर करके आ रहा है। और मोदी जी, तुम इतनी तेज ईंट बना कैसे लेते हो? कैसे बना लेते हो, हमें भी तो कोई राज बता दो। क्या पिछले जन्म में ईंटा बनाने वाले थे तुम? नहीं। अरे तुम मेरा पीछा इसलिए नहीं पकड़ पाते क्योंकि तुम्हारी सिर्फ जुबान चलती है और मेरे जुबान के साथ साथ काम में हाथ चलते हैं। और तुम ऐसे कैसे ईंटे बना लोगे? देख नहीं रहे हो पीछे राहुल कैसा बार बार 2 नंबर करने जा रहा है? जब ऐसे बार बार जाओगे तो तुम मेरे पीछा कहाँ पकड़ पाओगे? मैं खाने के टाइम पे खाता हूँ और 2 नंबर के टाइम पर 2 नंबर करता हूँ, ऐसे नहीं बीच में काम के टाइम पर कभी भी चले जाओ। अरे गला सूख गया बिल्कुल जोर करते करते। अरे योगी जी, देखना थोड़ा बहुत पानी पड़ा है। अरे पानी पी लूं, इस घोड़े ने तो बिल्कुल जोर लगाना बंद कर दिया है, ऐसा लगता है मुझे इस घोड़े को बदलना पड़ेगा, ये बिल्कुल जोर नहीं लगा रहा है। और खासकर जब वजन लदा होता है इसके ऊपर तो ये बिल्कुल भी जोर नहीं लगाता। कब से धक्का लगा रहे हो तुम भी, ये इस पानी से कीचड़ से निकल ही नहीं पा रहा है। और वो ऊपर देखो अखिलेश नवाब बने बैठे हैं बिल्कुल। अरे अखिलेश, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हम दोनों बैल की तरह धक्का लगा रहे हैं और तुम ऊपर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इतने बड़े आदमी होकर ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती, समझे? अरे योगी जी, मोदी जी, मैंने अपने अनाज को खेत से घर ले जाने के लिए आपकी घोड़ा गाड़ी को किया है, समझे? और इसके लिए पैसे दिए और ये भी तय किया था कि मैं ऊपर बैठ के जाऊंगा। अब तुमने इतना कमजोर घोड़ा पाल रखा है जो लोड ही नहीं ले रहा है अपने ऊपर, जो खींच ही नहीं रहा है बिल्कुल, तो इसमें मेरी क्या गलती? अरे मेरा काम है पैसे देना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब तुम कैसे भी खींच के ले जाओ, अब घोड़े से खिंचवाओ या तुम बैल बन के खींचो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ पैसे दूंगा तुम्हें। अरे अखिलेश, माना कि तुम पैसा दे रहे हो, तुम्हारी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है, ये तो देख लेते। हम कब से बैलों की तरह धगिया रहे हैं, हमारा घोड़ा दम नहीं दे रहा है, तो कम से कम तुम ही धक्का लगा देते थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी।